हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है, क्योंकि आज एक डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बन रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आप लोगों को कौन कौन से कोर्स या फिर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो काफी कमेंट भी आए थे, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बना लेता हूं। और मैं भी बाय प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। तो शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं हूं राम के परिवर्तन, स्वागत करता हूं राम जी टेक चैनल में, और यहां पर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि दोनों में ज्यादातर जो गैप है ना, बहुत कम है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना पड़ेगा, वो कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स जो है बाय करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स क्या होता है, देखिए एक यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी जैसे कि बीएससी आईटी हो गया, ये एक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स है। इसे इसमें आपको एनरोलमेंट करना पड़ेगा एक तरह से, जो है बीएससी आईटी, और एक और होता है कि बीसीए। बीसीए भी आपको, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो है कोर्स है। तो अभी अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों में से कोई भी जो कोर्स है वो बाय कर सकते हैं। इसके अलावा इससे सिमिलरिटी कोई भी कोर्स है बाय कर सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं। इन द माई केस मैंने जो है बीएससी आईटी किया हुआ है। तो चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। अब पॉइंट नंबर दो कि हमें एलिजिबिलिटी क्या होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। क्या हमें कोई इससे पहले टेक्निकल कोर्स करना पड़ता है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी में जो है डिग्री लेनी पड़ती है, या डिप्लोमा करना पड़ता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप 10+2 के बाद डायरेक्ट जो है बीएससी आईटी या फिर बीसीए वाला प्रोग्राम, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का प्रोग्राम है, आप बाय कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, कर सकते हैं। यानी कि 10+2 यानी कि दसवीं और बारहवीं के बाद आप डायरेक्ट जो है ये कोर्स कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए। और इसके लिए कोई भी आपको टेक्निकल कोर्स या फिर छोटा मोटा जो डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कभी भी मन में नहीं होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको जो है टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आना पड़ेगा। डेफिनेटली ये जो है टोटली मतलब फाउंडेशन कोर्स के बाद आप जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर दो, यानी कि जो है सॉफ्टवेयर की डिग्री अगर आपने ले ली, सॉफ्टवेयर डेवलपर की डिग्री ले ली या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री ले ली, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? देखिए, आपको कुछ महीने के लिए आपको एक इंटर्नशिप लेनी पड़ेगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस किसमें होगा? मान लीजिए कि आपको डिफरेंट कैटेगरी में जो है जॉब मिल सकता है, जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, या फिर जो है बैंकिंग एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो है आपको मिल सकता है वर्क सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ से एक्सपीरियंस गेन कर लेना है, थोड़ा सा 3 महीने का 4 महीने का 6 महीने का, कि जब भी आप जॉब के लिए जाएं तो आपको वहां पर मतलब कुछ आप शो करके जाएं, क्योंकि हर जगह जो है एक्सपीरियंस बंदे को ज्यादा वरीयता दी जाती है। वो होता तो ये है कि सब लोग जो है फ्रेशर ही पहले जाते हैं, लेकिन फ्रेशर के तौर पे आपको कहीं पर थोड़ा सा 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए कहीं भी काम कर सकते हैं। एक साल के लिए अगर आपने काम कर लिया तो काफी बेस्ट है, और वो तो आपका जो है बहुत सोने पर सुहागा हो जाएगा यदि आपने एक साल का जो है आपने ले लिया यहाँ पर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज दिला सकता है एक्सपीरियंस। अदरवाइज आप बिना एक्सपीरियंस के भी इस एज ए फ्रेशर इस इंडस्ट्री में, यानी कि सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में आ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये होगा कि आप जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करके आए। नंबर तीन है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री करने के बाद और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको कुछ जो है स्पेशलिटी जो है करनी पड़ेगी, यानी कि आपको स्पेशलाइज जो है थोड़ा सा करना पड़ेगा किसी एक नीच की तरह, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। जैसे कि इसको ये जो हो सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, जिसमें वर्ड प्रोसेसर हो, गेम्स हो, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन हो। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर सिस्टम में आपको जो है नॉर्मली जो बंदा जो है बीएससी आईटी कर ले या फिर बीसीए कर ले या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स कर ले, तो ये टिपिकल है, यानी कि सब लोगों को इसमें जो है जानकारी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी ये जानकारी। लेकिन अगर आप किसी खास मतलब फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि वो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि आपका जो है कोर जो है मतलब पैटर्न क्या है, आप जो है
क्या जानते हैं एक्चुअल में, कोर्स एक पूरा हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पूरा कोर्स ही होता है, बीसीए कर सकते हैं या फिर जो है बीएससीआरटी या फिर अदरवाइज ऐसे ही सिमिलर कोर्स। लेकिन आपका पूछेंगे कि कोर कहाँ है, आपका हैंडवर्क कहाँ है, किसमें आप माहिर हो, किसमें आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो, आप मुझे बताओ। तो उसके लिए आप किसी एक फील्ड में जो है स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें जो है विंडो डेवलपर हो गया या फिर जो है एंड्रॉयड डेवलपर हो गया या फिर आईओएस डेवलपर हो गया, वेबसाइट डेवलपर हो गया, तो ये सभी तरह की एक जो है एक स्पेशलाइजेशन वाला जो है क्रिटेरिया है, जिसमें आप जो है एक पर्टिकुलर जो है छोटा सा सर्टिफिकेट लेकर आप जो है कर सकते हैं। और 3 महीने में या फिर 4 महीने का ये शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर एक पर्टिकुलर जो है प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और इससे आपको काफी फायदा होता है। नंबर 4 है इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन। जैसे मैंने बोला कि आप जो है छोटा मोटा जो है कोर्स कर सकते हैं वहां पर, तो उसमें आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को लेकर यदि आप जाते हैं जॉब के लिए तो काफी अच्छा पैकेज आपको मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है छोटे मोटे जो है एक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं 2-3 महीने का या फिर 4 महीने का। इसमें आपको मतलब वो जॉब के लिए काफी मतलब जरूरी है और ये मतलब बहुत कम है, जैसे कि 3,000 से लेकर 5,000 या फिर 6,000 के अंदर ही आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन कोर्स करा सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए। जैसे मान लीजिए कि ऑरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन डेवलपर हो गया, यहां तक कि गूगल भी इस तरह के जो है कोर्स शॉर्ट पीरियड में कराता है। आप इसे ऑनलाइन सीख सकते हैं और गूगल से सर्टिफिकेट पा सकते हैं और उस सर्टिफिकेट को आप कहीं भी जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो उसको शो कर सकते हैं। इससे काफी इंप्रेस पड़ता है और आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ सकता है। इसके बाद जो 5वां है वो है अपने एडुकेशन को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि यहां पर आपने सिर्फ जो है एक बैचलर कोर्स किया है, ठीक है। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने एक बैचलर कोर्स किया है, अभी आपने मास्टरी नहीं की है, तो आप इसमें मास्टर एजुकेशन ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपने जो मास्टर डिग्री कोर्स को जो है कैरी कर सकते हैं अपने जॉब के दौरान। जैसे कि यदि मान लीजिए कि आप जो बीएससीआरटी करते हैं तो इसमें क्या है कि आप जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चीजें कवर होती है। अगर आपको मास्टरी करनी है तो आपको जो है मान लीजिए कि एमएससीआरटी कर सकते हैं या फिर एमसीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये जो है एक तरह से मतलब मास्टर डिग्री कोर्स है, ये अगर कर लेते हैं तो आपको और भी काफी अच्छा पैकेज मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजर और जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, ये सभी जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मतलब टैग में आता है, सतत उसकी जो है अंडर में आता है। लेकिन अगर आपको जो है मास्टरी करनी है, अगर आपको जो है इस फील्ड में मास्टर बनना है, अगर आपको जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर के फील्ड में मास्टर बनना है, तो आपको एमबीए भी कर सकते हैं। आप एमबीए इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में कर सकते हैं, जो कि आपको लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल भी सिखा देगी, जो आपका आगे चलकर आपके बिजनेस स्किल में बिल्ड कर सकती है और आप अपने जो आपका स्किल है, जो आपका टैलेंट है, उसको एक बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है हर चीज जो है बिजनेस में तब्दील हो रहा है, जिसको आप एक जॉब से अलग अपना जो है थोड़ा सा पार्ट निकालकर आप उसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो काफी आगे चलकर जो है आपको ग्रोथ देगा। और एमबीए इन आईटी अगर करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमबीए कर लेते हैं, तो वो काफी बेस्ट होता है, क्योंकि वहां पर आपको जो है लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल जो है फ्री में मिल जाती है। क्योंकि एमबीए यदि आप जो करने जाएंगे तो वहां पर जो है 2 सेमेस्टर जो है उसमें एमबीए पर ही फोकस किया जाता है। उसके आगे का जो 2 सेमेस्टर है उसमें आपको जो भी आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको 2 फायदा हो गए, इसलिए इसे कहते हैं एमबीए इन डुअल स्पेशलाइजेशन। तो यहां पर हमने 5 चीजें कवर की है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। यदि इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।